सो हाय, दिस इज़ अनुज एंड मैं इस वीडियो को थोड़ा सा रॉ रखना चाहता हूँ, लाइक कोई स्क्रिप्टिंग एंड ऑल नहीं। तो लाइफ में हम सबके साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है ना, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर महसूस करते हैं एंड हम अंदर ही अंदर उससे लड़ रहे होते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जहाँ पर हम दूसरों के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, राइट? एंड राइट नाउ मैं भी कुछ वैसे सिचुएशन से ही निकल रहा हूँ। लाइक आई एम फाइटिंग समथिंग जो कि थोड़ा सा पर्सनली है एंड मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि राइट नाउ मैं क्या करूँ। एंड यू नो व्हाट, कभी भी मेरे लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो मेरा जो बॉडी मैकेनिज्म है वो पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मैं अपना बैग उठाता हूँ, उसमें कपड़े भरना शुरू कर देता हूँ एंड बस घर से दूर चला जाता हूँ। मेरे को नहीं पता होता मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस मैं चला जाता हूँ दूर। इट वॉज़ जस्ट लाइक कि मैं एक अनप्लैंड ट्रिप मार के आता हूँ एंड राइट नाउ मेरे में अभी वही वापस से अर्ज जग रही है। सो दिस टाइम आई थॉट कि क्यों ना इसको शूट किया जाए। ओ या, लेट्स डू दिस, लेट्स पैक आवर बैग और चलते हैं एक अनप्लैंड ट्रिप पे। सो या, ये रहा मैं बैग एंड पीछे रहे मेरे कपड़े एंड आई डोंट नो मैं कितने दिनों के लिए जा रहा हूँ। यूजुअली जब मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो फिर मैं 4 to 5 days के लिए बाहर जाता हूँ। एंड मैं तुमको बता दूँ, मेरे को एक्चुअल में नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। मेरे दिमाग में भी दो चीज़ चल रही है, नहीं तो मैं बनारस जाना चाह रहा हूँ या फिर मैं हिमाचल जाना चाह रहा हूँ। हिमाचल में कहाँ रुकना है मुझे नहीं पता, मे बी मैं स्पीति चला जाऊँगा, वो पैक करने के बाद मैं बताऊँगा। एंड इवन मैंने अपने पेरेंट्स तक को भी नहीं बताया कि मैं निकल रहा हूँ, किसी को नहीं बताया। तो जस्ट पैक दिस बैग एंड बहुत मज़ा आने वाला है आई थिंक, क्योंकि मुझे नहीं पता आगे कौन मिलेगा मेरे को, कौन से रास्ते से जाऊँगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ किया एडवेंचरस फील होता है जब तुम ऐसा करते हो। और मैं हमेशा इस साइड से, इस चैनल पे मैंने बताया कि तुम्हारे लिए ट्रैवलिंग क्यों ज़रूरी है और तुम्हें ये सब क्यों करना चाहिए, राइट? तो बस कनेक्ट रहो। हाँ, जब तुम कभी भी ऐसे ट्रिप पे जाते हो ना, तो तुम्हारे साथ कुछ एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए, जस्ट लाइक कि तुम्हारे सनग्लासेस या तुम्हारा सनस्क्रीन, जो वैसलीन एंड ऐसे बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके ऊपर मैं कभी वीडियो बनाऊँगा कि अगर तुम सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो तो तुम क्या क्या वो चीज़ें जो तुम्हें अपने पास रखनी है, ठीक है? तो या, सो या, मेरा बैकपैक हो चुका है एंड निकलते निकलते मैंने सोचा एक बार मैं अपने दोस्त को बता दूं, प्रशांत को। तुम लोगों को, तुम्हें से बहुत से लोगों को पता होगा प्रशांत के बारे में, ही इज़ द गाय जिसके साथ मैं हसल करता हूं पैसे कमाने के ऊपर। तो मैंने उसको कॉल किया एंड उसको बताया कि ब्रो मैं निकल रहा हूं एंड मैं, मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं लेकिन मैं जा रहा हूं। तो ही वॉज लाइक कि मैं भी चल रहा हूं एंड मैं भी बैकपैक कर रहा हूं। सो या, अभी वो बैकपैक कर रहा है अपने घर पर, तो अभी मैं जस्ट उसके घर पे जा रहा हूँ और उसको लेके फिर हम निकलेंगे यहाँ से। और हाँ, मैंने अपने पेरेंट्स को भी कॉल करके बताया एंड एज़ यूजुअल अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जाता रहता हूँ, अचानक से कहीं भी ट्रिप पे निकल जाता हूँ, तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर देम। सो मज़ा आने वाला है, तो निकलते हैं फिर, लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। तो गाइस, मैंने प्रशांत को ले लिया है एंड ही इज़ द प्रशांत, प्रशांत भाई। हाँ, सो तुम लोगों को पता होगा मैं प्रशांत के बारे में, मैंने एक वीडियो में बताया हुआ था। तो यही है प्रशांत एंड तो जैसे मैंने बताया था कि बनारस और मनाली, इन दो में हम लोग, सॉरी बनारस एंड स्पीति वैली अभी डिसाइड नहीं था, तो हमने सोचा कि हम लोग स्पीति वैली जाएंगे एंड अभी हमने जस्ट अभी बस बुक की है। रात के कितने बज गए? इट्स ऑलमोस्ट 11। हाँ, तो 11 बज गए हैं एंड जो हमारा कल फर्स्ट स्टॉप है वो है मनाली का। कल पहले हम मनाली पहुँचेंगे देन उसके बाद हम लोग स्पीति वैली के लिए निकलेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है, जस्ट स्टे कनेक्टेड। तुम में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब मेरे साथ ऐसा कुछ मेंटल सिचुएशन होती है जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बीटी होने लगती है तो हमेशा ट्रैवलिंग क्यों चुनता हूँ, राइट? सी, ये मेरा काइंड ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म है जहाँ पर मेरी बॉडी से रिएक्ट करने लगती है कि मैं प्रॉब्लम से भागने लगता हूँ। मैं इस चीज़ को अग्री करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि हाँ, इस चीज़ को सबसे बढ़िया सॉल्व करने का तरीका है वो है ट्रैवल करना।
और इससे मेरे को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। एंड मेरा दिमाग ये कहता है कि हाँ, लोगों से अभी दूर जाओ, घर से भी दूर जाओ। सो दिस इज़ वाई आई डू ट्रैवल। सो वी आर इन द बस एंड हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली से, और कल सुबह शायद से 11 बजे के करीब हम लोग मनाली पहुँचेंगे। स्टे कनेक्टेड हो गया, एक्साइटमेंट लेवल अलग है। तो सुबह के 7 बज गए हैं एंड हमारी जो बस है वो भी हाईवे पर रुकी है एक। आई थिंक अभी हम ऐसे हिमाचल के बॉर्डर पे आ चुके हैं। एज यू कैन सी द हाईवे हियर एंड ये प्रशांत भाई बैठे हैं इधर। तो लेट्स सी कैसे जाता है सब कुछ। अभी मेरे को खुद नहीं पता हम लोग कैसे कहाँ पर जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, तो देखते हैं। मनाली आखिरकार पहुंच गए हम लोग मनाली के अंदर। नहीं 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 नो थैंक्स। एंड तुम लोगों को बता दूं, अभी राइट नाउ हम बिल्कुल ब्लैंक हैं, हमें कुछ नहीं पता कहां पर रहना है, अभी क्या करना है, अभी राइट नाउ कहां जाना है। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं कैसे कैसे क्या करना है। अभी हम सोच रहे हैं कि हम डोमेट्री लेंगे। एंड तुम लोगों को पता है कि डोमेट्री क्यों लेना चाहिए एज अ ट्रैवलर। डोमेट्री क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोगों के साथ एक रूम में रहते हो एंड यू शेयर योर मेमोरीज एंड स्टोरीज एक साथ, राइट। क्योंकि अगर तुम अकेले से होटल लेके रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तुम अकेले रह जाओगे वहाँ पर। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ना, ऑलवेज टेक डोमेट्रीज। तो मैं आगे बताता हूँ, अपडेट करता हूँ तुम लोगों को। प्लानिंग ये है कि हम लोग ओल्ड मनाली जा रहे हैं, क्योंकि ओल्ड जो मनाली है वो एक्चुअल मनाली की वाइब देता है, न्यू मनाली में रहने को कोई फ़ायदा नहीं है। सो अभी या अभी बहुत सारे ब्लॉगर्स, तो अभी हम देखते हैं, फिर ओल्ड मनाली चलते हैं, देखते हैं क्या करना है वहाँ पर। ले आ चुके हैं एज यू कैन सी ओल्ड मनाली। मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका ग्लिम्स दे दूँगा कैसा दिखता है ओल्ड मनाली। एंड अभी हमने पूछा था बेस्ट हॉस्टल कौन सा रहेगा, तो यहाँ के लोकल्स ने मेरे को सजेस्ट किया कि मुझे हॉस्टल जाना चाहिए। एंड हॉस्टल तो ढूंढ रहे हैं एंड थोड़ा सा गांव टाइप एरिया आ गया है जो कि बहुत सही लग रहा है गाइस। देखते हैं लेट्स सी कहां पे हॉस्टल। आई थिंक इस साइड है, ये मेरी इस साइड है, इससे पूछना पड़ेगा। देखो कि साइन बोर्ड लगा है क्या, नहीं लग रहा है। अच्छा वही चेक करते हैं। हम हॉस्टल जब ढूंढ रहे थे तो रास्ते में हमें कुछ अपने जैसे लोग मिले, और तो हमने पूछा कि सबसे बढ़िया वाइब कहाँ की है, कौन से हॉस्टल की है। तो उन्होंने एक होस्टैल्जिक या होस्टैल्जिया करके एक हॉस्टल बताया, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बेस्ट वाइफ वहीं की है, तो अभी हमने इस हॉस्टल का प्लान ड्रॉप कर दिया है, तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं राइट नाउ। ये ओल्ड मनाली में बहुत अंदर जाके है, लाइक बहुत ही गांव एरिया है ये, और बहुत खूबसूरत है, लाइक बहुत खूबसूरत है। As you can see, पीछे माउंटेन्स भी है।
हमें हमारा हॉस्टल मिल गया वोरा सामने, तो अभी देखते हैं क्या प्राइस चल रहा है, क्या रेंट है, क्या मिलेगा, कौन मिलेगा, तो चलते देखते हैं क्या सीन है। तो अभी हम लोग अपना डोमेट्री देख रहे हैं कैसा है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि रहना है कि नहीं रहना। You can see the view. इसमें कितने खाली हैं अभी? सारे सारे खाली हैं? सिक्स बेड का है अभी। इसमें भी सारे खाली हैं। बस नीचे वाले फिल हैं। This is the mall road of Manali and if you are traveler ना तो मॉल रोड को हमेशा स्किप करना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें सिर्फ ख़रीदारी करने की चीज़ मिलेगी। इफ़ यू आर टूरिस्ट तुम आ सकते हो, अदरवाइज़ इफ़ यू आर ट्रैवलर तो बिल्कुल मिस करो, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। गो ऑलवेज ऑफ साइड, बहुत बोरिंग जगह है, दैट्स इट। तो बस यहाँ पर देखने के लिए आ गए थे, तुम देख सकते हो पीछे क्या है भाई, सब यहाँ पर झुंड है लोगों की और कुछ नहीं है। आगे मैं तुम्हें कुछ एक अपडेट देना तो वो मैं हॉस्टल पहुँच कर तुम्हें दूँगा, तो मिलते हैं फिर। गाइज दिस इज प्रशांत, तो इसको तो जानते ही हो, इसको तो मैं पहले ही। एंड ये हमारे महेंद्र भाई, जिनके साथ मैं क्रिकेट के अभी खेल रहा था। या इज वेरी चिल आउट गाय, एंड इनके बारे में आपको मैं रात को बताऊंगा। और एंड ये है हमारे आदित्य भाई, आदित्य भाई दिल्ली से, ये जस्ट चार स्टेशन दूर। आयते भाई से हम चार बार मिल चुके हैं आजाद में। व्हाट्स दैम रिकॉर्ड हो गया क्या ये? महेंद्र भाई इज टीचिंग यू सम टेक्निक हाउ टू मेक शरीफ शरीफ आदमी हम ऐसे शरीफ आदमी हो रहे थे। हरे कृष्णा हरे, प्लीज रिमूव टू फिंगर्स फ्रॉम माय हैंड। ओ भाई ये क्या है?